अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MSN मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 62 तक हमने जो है कंप्लीट सॉल्व की है। अगर आप लोग उस एक्सरसाइज के प्ले लिस्ट का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें अक्सर जनरल एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने समझा कि मैं पहले इन चीजों को लाजमी डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसमें आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम की। ये रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, सारा का सारा मैं A to Z आपको जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेकर आता हूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें देखें, हमारे पास स्टेटमेंट में कहता है लेट f(x) बी अ फंक्शन कंटिन्यूस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल AB। कहता है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन f(x) वो जो है ना वो एक क्लोज इंटरवल AB के ऊपर कंटिन्यूस है। फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे ये, सेकंड कंडीशन ये कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है जिसको पैरेंथेसिस आई थिंक कहते हैं, तो ये जो आपके पास जो है ना वो होता है ओपन इंटरवल, और ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है ये होता है जी आपके पास क्लोज इंटरवल। उसके बाद थर्ड कंडीशन है जी आपके पास f(a) विच इज इक्वल टू f(b)। इन सारी चीजों का मतलब क्या, मीनिंग क्या, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ सी, हमारे पास कोई नंबर सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल AB में से, सच दैट इस तरह के उस एलिमेंट का या उस नंबर का डेरिवेटिव ले तो वो जीरो के बराबर आता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, कहता है जी आपके पास रोल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या क्या वो पूछ रहा है। कहता है कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है आपके पास क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब ये जो है ना वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस क्यों होता है और डिफरेंशिएबल जो है ना वो ओपन इंटरवल के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, डिफरेंशिएबल की अगर बात करें तो ये जो हमारे पास कॉर्नर होता है, यानी कि A to B जो भी हमारे पास ग्राफ जा रहा है उसके जो कॉर्नर के ऊपर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वहां पे इन्फिनिट मैनी जो है वो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो एक ही जो है वो सिंगल पॉइंट से टच करके नहीं गुजरी होती बल्कि इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स के साथ टच करके गुजरी होती है जो टेंजेंट लाइन होती है किसी भी कॉर्नर के ऊपर। मैं ये बात बहुत दफा बता चुका हूँ। तो कॉर्नर के ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग जो ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास A और B का जहाँ पे स्टार्ट और जहाँ पे एंड हो रहा है, जहां पे कॉर्नर है स्टार्ट पे और एंड पे, वहां पे जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए जो है ना वो हम लोग ये बात कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा A और B के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन A और B पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि A और B पे जो है ना वो अगर हम इसको क्लोज कर दें, यानी कि A पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, B पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो कॉर्नर आ जाएगा स्टार्ट में और एंड पे, तो कॉर्नर पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होता है। और जो कंटिन्यूस होता है वो A से B तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं भी जाना वो कंटिन्यूस हो सकता है, इसलिए जाना ये कंडीशन यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद कहता है कि ये जो हमारे पास जो A है फंक्शन उस पॉइंट A के ऊपर और उस पॉइंट B के ऊपर जाना वो उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन है जी उन दोनों वैल्यूज के ऊपर A और B के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ जाए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में से, इस तरह के उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का डेरिवेटिव लें या उस एलिमेंट को फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, उसका आंसर जीरो आए। ये हमने साबित करना है, हमने प्रूव करना है। इसके लिए जो है ना वो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रूव में बात करें, गिवन दैट f(x) इज अ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल AB, हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो है ना वो क्लोज इंटरवल AB के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बात क्लियर हो गई। सो f(x) इज बाउंडेड, अब बाउंडेड की बात आ गई है। बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड की हमें समझ आ रही है कि जब उसने हमें खुद बताया कि इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, यानी कि इस इंटरवल से बाहर नहीं जा रहा, बाउंड हो गया फंक्शन, इसका मतलब कि ये बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंड हो चुका है, हमें क्लियर हो चुका है कि इस इंटरवल में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब बाउंडेड जो है ना वो बाउंडेड में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, बाउंडेड में जो है हमारे पास सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड में हमारे पास इनफिमम भी एग्जिस्ट करता है। अब सुप्रीमम बेसिकली आपके पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है आपके पास लीस्ट
आपके पास लीस्ट अपर बाउंड और हमारे पास जो इन्फीमियम होता है वो हमारे पास क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दोबारा सुन ले, जो हमारे पास सुप्रीमम होता है वो होता है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, जो होता है हमारे पास इन्फीमियम वो होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको जब आप मजीद आगे जाके हम ग्राफ्स के जरिए जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड को समझना चाहते हैं उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आई बटन जाकर आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सिर्फ जो है सारी चीजें आपके इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर समझ आए। तो बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखें बॉन्डेड की जब बात आ गई तो लेट एम ग्रेटर एम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम रिस्पेक्टिवली। फिर हम फर्ज करते हैं कि ये जो हमारे पास कैपिटल एम है ये सुप्रीमम है और जो स्मॉल एम है ये हमारे पास है इन्फीमम। ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स का देन देर आर टू पॉसिबिलिटी। फिर हमारे पास जाना वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उसको केस वन में डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी वन को और पॉसिबिलिटी टू को केस नंबर टू में डिस्कस करेंगे, हमारा थ्योरम जो है ना प्रूव हो जाएगा। सिंपल है, इजी है, गौर से देखें यहाँ पे क्या होने जा रहा है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास सुप्रीमम इक्वल आएगा इन्फीमम के, और दूसरी जो है ना वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो है ना वो बराबर नहीं आ रहे, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब देखें जी, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं केस वन के लिए। अगर हमारे पास जो है ना सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल आ जाए, इनकी वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर हमारे पास कब ये पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल इफ फंक्शन इज कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल होगा, सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी फंक्शन का कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास कब इक्वल होगा, जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट होगा। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको ग्राफ के जरिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं भी जो है ना वो सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ए की जो है ना वो यहाँ पे सीधी लाइन है, तो कहीं पे भी इन्फीमम या सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है वो दोनों आपस में इक्वल है, उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये ए से लेके बी तक हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ना वो फंक्शन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन है तो फंक्शन यहाँ पे ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं वो जीरो के बराबर आता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो डेरिवेटिव आ गया जीरो। इसी तरह से यहाँ पे देखें जी, हमारे पास अगर हम ए और बी के दरमियान कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने सी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो सी भी जो है ना इसी ग्राफ के पे लाइक आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है ना वो अगर इस सी को भी फंक्शन में पुट करते हैं तभी हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि पास साबित हुआ यहाँ से कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है, और ये चीज हमारे पास रोल थ्योरम प्रूव हो चुका है केस वन को लेके जब हम चले। अब हम केस टू को लेके चलते हैं, जब हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा, वो भी हम यहाँ से ग्राफ से जाना वो समझेंगे, आपको सारी की सारी बातें क्लियर समझ आएंगी। यहां से देखें जी, अगर जाना वो सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर नहीं हो तो फिर क्या होगा, देन एनी वन ऑफ दीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कहाँ से आ गई हैं, ये ग्राफ को मैं समझाऊंगा, ग्राफ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है सुप्रीमम, सुप्रीमम के लिए ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया इन्फीमम के लिए। ये देखें जी, कुछ इस तरह से ग्राफ है, जिस तरह वो इंटरसेक्शन नहीं होता या इस तरह से कर्व टाइप, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। अब एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ग्राफ है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ए के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है और ये हमारे पास एफ ऑफ बी है, तो इसके बी के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है। ए के लिए भी यही वैल्यू है, बी के लिए भी इसको लेके आए तो यही वैल्यू फंक्शन की आ रही है, फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर हो गए, मैंने बराबर लिख लिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जो सबसे ऊपर है यस पीक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है वो है सुप्रीमम, क्योंकि मैंने आपको बताया सुप्रीमम क्या था, लोएस्ट अपर बाउंड। तो ये जो हमारे पास सुप्रीमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम की वैल्यू हाईएस्ट है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नीचे है, सुप्रीमम ऊपर है, यानी कि सुप्रीमम और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि सुप्रीमम डजंट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग आ जाए इन्फीमम की तरफ, इसकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने यू शेप में मैंने ग्राफ बनाया, सबसे नीचे लोएस्ट पे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऊपर है,
ठीक है, वो दोनों तो आपस में सेम है, आमने सामने इक्वल है, लेकिन इन्फिमम के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डज नॉट इक्वल टू इन्फिमम। सुप्रीमम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे इन्फिमम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिमम नीचे है, यहाँ पे सुप्रीमम ऊपर है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नीचे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इनमें से या तो इसको लेके सॉल्व कर लूँ, इसको लेके सॉल्व कर लूँ। लेट्स सपोज के मैं इसको लेके चलता हूँ, इसके हमारे पास ए और बी के सेंटर में यहाँ पे लेट्स सपोज के कहीं भी पॉइंट सी है, पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो सी पे हमारे पास क्या है जी, सी पे हमारे पास है सुप्रीमम, ये देखिए जी सी पॉइंट हमारे पास सुप्रीमम है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन की वो सी के ऊपर है, ये सी पॉइंट के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो है ना वो सुप्रीमम किसके बराबर होगा, एफ ऑफ सी के, ऑब्वियसली क्योंकि सुप्रीमम के सामने एफ ऑफ सी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो सुप्रीमम किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब डेरिवेटिव का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एफ प्राइम ऑफ सी का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ इंटू सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये हमारे पास होता है फार्मूला डेरिवेटिव का। अब देखें जी यहाँ पे जी हमारे पास एफ इंटू सी प्लस एच, ये बेसिकली क्या है, सी प्लस एच कहाँ से आया, देखिए ये हमारे पास है सुप्रीमम, इसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पे आता हूँ, तो हमारे पास इसको मैं एच का नाम दे देता हूँ, एच का, थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो उसको मैंने किसका नाम दिया, एच का नाम दे दिया, तो ये तो हमारे पास पॉइंट सी है, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, ये वाला हमारे पास एम कह रहे सुप्रीमम कह रहे हैं, पॉइंट सी कह रहे हैं यहाँ पे, सी में थोड़ा सा आगे गया सी प्लस एच, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये सी प्लस एच हो जाएगा, ये सी प्लस एच है माइनस यहाँ पे एफ ऑफ सी है, हमारे पास जहाँ पे सुप्रीमम है वहां पे हमारे पास एफ ऑफ सी है, और थोड़ा सा जब आगे गए तो वो हमारे पास है सी प्लस एच। अब कहता है जी इन दोनों को आप लोग अगर माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा, लेस आर इक्वल टू जीरो आएगा, क्यों आएगा मैं दोबारा बता देता हूँ क्यों आएगा, देखिए जब हम थोड़ा सा आगे गए तो ये बन गया सी प्लस एच, सी प्लस एच में से जब माइनस किया एफ ऑफ सी, इसका क्या मतलब है कि जब भी छोटी वैल्यू में से आप लोग बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो उसका आंसर माइनस में आता है, जिस तरह हम कहते हैं जी टू माइनस थ्री वो आता है माइनस वन, माइनस में वैल्यू आई है ना, इसी तरह से जब थोड़ा सा आगे गए यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, इसको इस वैल्यू पूरी वैल्यू से जब माइनस किया बड़ी वैल्यू में से, इसको इसमें से माइनस किया तो वो नेगेटिव आएगी, या तो बड़ी हो गया तो जीरो के इक्वल आएगी, या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकती, तो हमारे पास है ना वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पर अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव आता है, एफ इंटू सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है, और ये जो एच हमारे पास ये भी नेगेटिव है, एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, इस फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो जीरो के ऊपर पॉजिटिव है, ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, ये चीज नेगेटिव है, एच हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस होता है इसलिए लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू जीरो से लेस होगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये थी हमारे पास राइट हैंड लिमिट, दोनों हमने अप्लाई करवा के चेक कर ली। अब इसको और इसको आपस में कहीं कंपेयर कर दिया, कंपेयर वन एंड टू कंपेयर किया दोनों को, अब देखें यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दफा ग्रेटर है जीरो से, ग्रेटर है एक दफा जीरो से लेस है, जब कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एंड टू सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच विच इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे हमने पुट किया था एफ प्राइम ऑफ सी के, फंक्शन के एफ प्राइम ऑफ सी के बराबर ये था, तो इसके बराबर ये कर दिया यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू जीरो। यही हमने बात प्रूव करनी थी रोल थ्योरम में कि आपके पास जाना वो कोई भी कॉन्स्टेंट लेते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर आता है। यही हमने यहाँ पे जाना वो दो कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस करनी थी, यहाँ पे ये वाली और ये वाली, दोनों हमने जाना वो कंडीशन डिस्कस कर ली, ग्राफ बना के आपको सारी की सारी चीजें बताई, आपको बताया कि कंटिन्यूस कब होता है, डिफरेंशियबल कब होता है, आपको बताया कि सुप्रीमा और इन्फिमम क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, उसके बाद आपको जो है ना वो इसका फर्स्ट केस प्रूव करवाया, ग्राफ भी आपको समझाया, इसके बाद
जब बराबर नहीं होते, फिर यहाँ से आपको जाना वो मजीद चीजें क्लियर करवाई, उसके बाद जाना वो डेरिवेटिव का फार्मूला लिखने के बाद उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्लाई करके उसके बाद उन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जाना वो शॉर्ट वे में समझाया जाए और पूरी की पूरी आपको समझ आए। ये जाना वो सारा का सारा थ्योरम आप पेपर में लिखते हैं आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।